आपने कोलंबिया ड्रग स्मगलर पाल्बो एस्कोबार के बारे में तो सुना ही होगा। उसी पाल्बो एस्कोबार के करीब 70 हिपोस को भारत और मेक्सिको भेजने पर विचार किया जा रहा है जो कोकेन हिपो प्रजाति के हैं। 1993 में पुलिस द्वारा एस्कोबार के मार गिराने के बाद कोकेन हिपो उसकी प्रॉपर्टी से निकलकर इलाके में फैल गए थे। उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है जो बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा है। पर सवाल वही है कि आखिर ये कैसे बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा है। दरअसल इन हिप्पो का कोलंबिया में कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है और पर्यावरण अधिकारियों का अनुमान है कि एंटीओकिया प्रांत में इस क्षेत्र में लगभग 130 हिप्पो हैं और उनकी आबादी 8 साल में 400 और 16 साल में 1500 तक पहुंच सकती है। पिछले साल कोलंबिया की सरकार ने उन्हें एक जहरीली आक्रामक प्रजाति घोषित किया था। नेचर मैगजीन की एक रिपोर्ट में दिखाया गया है कि हिप्पो वाली झील में न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया के विकास का पक्ष लेते हैं। इसमें टॉक्सिक एल्गल ब्लूम्स पनपते हैं। ये ब्लूम्स पानी की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर मछली की मौत का कारण बन सकते हैं, जिससे लोकल फिशिंग कम्युनिटीज इफेक्ट हो सकती है।